गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज म्यूचुअल फंड्स। एक पर्सन जो होता है जब वो इनकम अर्न करता है, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, बिजनेसमैन है, चाहे वो कोई प्रोफेशन कर रहा है, चाहे वो कोई इंडिविजुअल है जो सैलरी जिसे मिल रही है, जो एम्प्लॉयमेंट में इंगेज्ड है, कोई भी पर्सन है, जो भी अर्निंग उसको मिलती है, जो भी इनकम उसको मिलती है, उसे वो दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। एक जिसे वो सेव करता है और एक जिसे वो स्पेंड करता है। जो स्पेंड करता है वो अपनी कंजम्पशन उसकी हो जाती है। जो वो सेव कर रहा है वो सेविंग्स के साथ वो क्या करता है, उसके पास ऑप्शन अवेलेबल है उसके लिए। वो क्या कि वो उस सेविंग को या तो एज इट इज अपने पास रख के रखे या फिर वो उसे कहीं पे इन्वेस्ट कर दे। अगर वो उसे एज इट इज़ अपने पास सेव करके रखता है तो वो ग्रो नहीं करेगी, बल्कि इनफैक्ट उसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी ड्यू टू इन्फ्लेशन। बट अगर वो उसे इन्वेस्ट करता है तो वो उसे कहाँ इन्वेस्ट करे? अगर किसी भी एक सिंपल जो नॉर्मल लेमैन है उससे अगर हम पूछेंगे कि कहाँ वो इन्वेस्ट कर सकता है अपनी सेविंग्स को, तो जो गिने चुने जो उसके पास ऑप्शंस होंगे दैट इज़ किसी एसेट में लगा दे, कोई लैंड खरीद ले, कोई बिल्डिंग खरीद ले, या बैंक में डिपॉजिट कर दे, या पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट कर दे, या किसी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर दे। लेकिन एक पर्सन के पास इसके अलावा बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं जो अवेलेबल हैं। वो क्या? रियल इस्टेट में, कैश इक्विवेलेंट में रख सकता है, डिफेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स, स्टॉक्स, ग्रोथ इंस्ट्रूमेंट्स, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, कमर्शियल पेपर्स, कमर्शियल डिपॉजिट्स, ट्रेजरी बिल्स, स्वैप्स, लैंड एंड बिल्डिंग, गोल्ड, बुलियन, पीपीएफ, एनपीएस, शेयर्स, डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, इंश्योरेंस, बॉन्ड्स, एनएससी, अदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, फॉरवर्ड्स, रेपो, जेडीआरस, एडीआरस, आईडीआरस, बहुत सारे एवेन्यूज अवेलेबल हैं। उन्हीं में से एक एवेन्यू जो अवेलेबल है दैट इज म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स क्या होता है? म्यूचुअल जो टर्म है, म्यूचुअल मतलब जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स इन्वॉल्व हैं और उनका कोई एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है जिसके लिए वो काम करते हैं। फंड का मतलब है जब आप कोई चीज़ कलेक्ट करते हो किसी एक जगह पर, जब हम मनी की टर्म्स में उसे कहते हैं कि अगर आप मनी कलेक्ट कर रहे हो किसी कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए तो उसे हम फंड कहते हैं। तो म्यूचुअल फंड का मतलब हुआ कि एक पूल ऑफ फंड्स जहाँ पे जो पैसा है आप पर्सन्स जो हैं म्यूचुअली अपने अपने कॉमन ऑब्जेक्ट जो कॉमन ऑब्जेक्टिव है उन सब का, उसके लिए जो पैसे हैं एक पूल में अगर इकट्ठा कर रहे हैं तो उसे हम म्यूचुअल फंड कहते हैं। तो म्यूचुअल फंड एक्चुअल में क्या है? जहाँ पे डिफरेंट जो पर्सन्स हैं, यहाँ पे हम इन्वेस्टर्स उन्हें ले रहे हैं कि एक इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर ए उसने 1000 रुपये इन्वेस्ट किए, इन्वेस्टर बी ने 1000 रुपीस किए, या इन्वेस्टर सी 500 कर रहा है, या इन्वेस्टर डी 10,000 कर रहा है। तो अपने अपने जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, मतलब जितना उनका पॉकेट अलाउ करता है उतना वो सेव अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं सेविंग, तो वो जितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो इस पूल में वो इकट्ठा कर रहे हैं किसी एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए। तो अब उस कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए जिसे आप इकट्ठा कर रहे हो उसे हम कह रहे हैं पूल ऑफ फंड्स। अब म्यूचुअल फंड्स में होता क्या है? जो ये इन्वेस्टर्स हैं ये पूल कर रहे हैं अपनी मनी। ये पूल कहाँ कर रहे हैं अपनी मनी, किसके पास कर रहे हैं? फंड में कर रहे हैं, फंड मैनेजर के पास। ये जो फंड मैनेजर है वो कौन है? जो आपकी एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है। जब हम ऑर्गेनाइजेशन करेंगे म्यूचुअल फंड्स की आपको क्लियर हो जाएगा, जो भी कंपनी जिसने म्यूचुअल फंड निकाला है तो उसका फंड मैनेजर होता है, उसके पास वो इन्वेस्टर्स जो हैं अपना मनी पूल कर रहे हैं और वो फंड मैनेजर उस मनी को, उस पूल ऑफ फंड्स को इन्वेस्ट कर रहा है आगे सिक्योरिटीज़ में। स्टॉक मार्केट की सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकता है, शेयर्स में, डिबेंचर्स में, बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, मतलब वो सिक्योरिटीज़ में उसे इन्वेस्ट कर रहा है और वो सिक्योरिटीज़ उसे जनरेट करके दे रही हैं रिटर्न्स। रिटर्न्स इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन, रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ रेगुलर इनकम, या रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, जिस भी फॉर्म में उसको रिटर्न मिल रहा है। और फिर वो जो रिटर्न है वो वापस पास बैक कर दिया जाता है किसको? इन्वेस्टर्स को, इन दी प्रपोर्शन, जिस प्रपोर्शन में उन्होंने पैसा पूल किया था फंड में।
तो ये बेसिकली पूरा कंसेप्ट है म्यूचुअल फंड का। डेफिनेशन क्या है म्यूचुअल फंड की? अकॉर्डिंग टू सेबी रेगुलेशन 1996, वो डिफाइन करती है म्यूचुअल फंड को एज अ फंड एस्टैब्लिश्ड इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रस्ट टू रेज मनीज थ्रू द सेल ऑफ यूनिट्स टू द पब्लिक और अ सेक्शन ऑफ द पब्लिक अंडर वन और मोर स्कीम्स फॉर इन्वेस्टिंग इन सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। जो हमने इसका डायग्राम अभी देखा था यहाँ पर, इसी को अगर हम एक्सप्लेन करें तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई कि एक फंड जो एस्टैब्लिश्ड हुआ है इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रस्ट, किस पर्पस के लिए? मनी रेज करने के लिए। मनी रेज किस तरीके से हो रही है? बाय सेल ऑफ यूनिट्स। किसको? टू द पब्लिक या सेक्शन ऑफ पब्लिक को, अंडर वन और मोर स्कीम। किस लिए? फॉर इन्वेस्टिंग इन सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। ये जो इन्वेस्टर्स जब अपना मनी पूल कर रहे हैं फंड में, तो मनी जितना वो पूल में इन्वेस्ट कर रहे हैं, पूल कर रहे हैं, उसी प्रोपोर्शन में उनको यूनिट्स अलॉट कर दी जाती हैं। कि सपोज टोटल अगर पूल है वो 10,000 रुपीज़ का है, सपोज 10,000 में से हर एक पर्सन ने अगर 1,000 रुपीज़ पूल किए हैं, तो हर एक के पास कितना यूनिट आ गया? 10 यूनिट्स उसको अलॉट हो गई। सेम तरीके से जिस पर्सन ने अगर 500 दिए हैं, किसी ने 1,000 दिए हैं, किसी ने 2,000 इन्वेस्ट किए हैं, किसी ने 5,000 इन्वेस्ट किए हैं, तो जो टोटल फंड का वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग उनका प्रोपोर्शन डिसाइड हो जाता है और उसके अकॉर्डिंग उन्हें यूनिट्स अलॉट हो जाते हैं। अब जब आप रिटर्न वापस दे रहे हो उन्हें, तो जितनी यूनिट्स उनको मिली हैं, जितना उन्होंने पैसा पूल किया था उसके अकॉर्डिंग जितनी यूनिट्स उन्हें अलॉट हुए थे, उस यूनिट्स में ही, उस यूनिट्स के अकॉर्डिंग ही, उसी यूनिट्स के प्रोपोर्शन में जो रिटर्न है आप उन्हें वापस करते हो। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअल फंड। इसके फीचर्स क्या हैं? सबसे पहला है एस्टैब्लिश्ड बाय स्पॉन्सर्स। जो म्यूचुअल फंड है उसे जो एस्टैब्लिश करता है वो स्पॉन्सर एक पार्टी है जो वो शुरू कर रहा है, मतलब वो पर्सन जो म्यूचुअल फंड्स को शुरू कर रहा है, जिसके नाम से वो म्यूचुअल फंड चलेगा, तो उसे हम कहते हैं स्पॉन्सर। कोई भी आपका बैंक हो सकता है, कोई भी कंपनी हो सकती है। जैसे अगर हम म्यूचुअल फंड के नाम सुनते हैं, हम कहते हैं कि आदित्य बिरला कंपनी का म्यूचुअल फंड है, या आपका ICICI का म्यूचुअल फंड है, या आपका SBI का म्यूचुअल फंड है, या आपका HDFC का म्यूचुअल फंड है, या आपका UTI का म्यूचुअल फंड है। तो ये जो HDFC, UTI, ICICI, ये जो आप नाम आगे सुन रहे हैं, ये स्पॉन्सर है कि कौन उस म्यूचुअल फंड का ओरिजिनेटर, जैसे हम कह देते हैं कि उस म्यूचुअल फंड को किसने इनकॉर्पोरेट किया है, किसने ओरिजिनेट उस नेम जो है म्यूचुअल फंड का, म्यूचुअल फंड की कंपनी है उसका स्पॉन्सर कौन है, वो उस नेम से आपको पता चल जाता है। देन इज रेजिंग फंड्स। म्यूचुअल फंड क्या करते हैं? रेज करते हैं फंड्स पब्लिक से। जिसने भी पैसा इन्वेस्ट करना है वो पूल अपना फंड वहाँ पे कर सकते हैं। तो आप छोटी छोटी सेविंग से, मंथली सेविंग से भी आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जो म्यूचुअल फंड्स है वो इकोनॉमी में भी हेल्प कर रहा है फॉर रेजिंग फंड्स फ्रॉम दी पब्लिक। देन इशू ऑफ यूनिट्स, जैसे हमने पहले बात की जब हमने डायग्राम एक्सप्लेन किया कि जो जितना भी आप जो पैसा है इन्वेस्ट कर रहे हो पूल में, उसके अकॉर्डिंग आपको यूनिट्स इशू होती हैं। देन इज ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव कॉमन पर्पस हो सकता है म्यूचुअल फंड्स में लगाने के। जो ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं? टैक्स सेव करना हो सकता है, रेगुलर इनकम आप अर्न करना चाहते हैं, या कैपिटल एप्रिशिएट आप करना चाहते हैं। तो जो भी है उसके, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है उसके अकॉर्डिंग जो स्कीम है वो लाई जाती है जिसमें आप इन्वेस्ट करते हैं। देन डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क। अब आप इसमें इसी चीज़ को देखिए कि अगर आप 1,000 रुपीज़ पूल में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अगर आप सिंगल, सपोज उसे म्यूचुअल फंड में आप नहीं डालते, उस 1,000 रुपीज़ से क्या आप उसी 1,000 रुपीज़ से डिबेंचर्स या इक्विटी शेयर्स, अगर हम कहें इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, उस 1,000 रुपीज़ को आप इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने उसे म्यूचुअल फंड्स में लगाया है तो आप उसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और जितना आप अपने इन्वेस्टमेंट को, जो आपकी सेविंग्स है, जो आपका पैसा है, उसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, डाइवर्सीफाई करोगे, उतना आपका रिस्क कम होगा। कैसे?
जैसे सपोज अगर आपने सारा का सारा पैसा इक्विटी में लगा दिया तो इसका मतलब सारा का सारा पैसा आपका रिस्क पे है, लेकिन अगर आपने कुछ प्रोपोर्शन डिसाइड कर लिया कि आपने 30% इक्विटी में लगाना है और 70% आपने डेप्ट में लगाना है, तो डेप्ट में पैसा सिक्योर होता है आपका, क्योंकि वहाँ पे आपको कंपनी को चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो आपको इंटरेस्ट मिलना ही मिलना है। तो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू ये जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो चाहे कितनी भी स्मॉल क्यों ना हो आप उसे डाइवर्सिफाई कर सकते हो। डाइवर्सिफाई कर दिया तो आपका जो रिस्क है वो कम हो जाता है। देन इज टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, हमारे पास हम इन्हें तीन ब्रॉड कैटेगरीज में जो डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज अकॉर्डिंग टू फंक्शनल, पोर्टफोलियो एंड जियोग्राफिकल। अब इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फंक्शनल म्यूचुअल फंड्स में। फंक्शनल को हम डिवाइड करते हैं तीन टाइप्स में, एक है ओपन एंडेड फंड्स, देन क्लोज एंडेड फंड्स, देन इंटरवल फंड्स। ओपन एंडेड फंड्स कौन से होते हैं? ओपन एंडेड फंड्स वो होते हैं जिनकी जो सब्सक्राइब करने का जो पीरियड होता है वो कोई पीरियड नहीं होता, आप उसमें कभी भी सब्सक्राइब कर सकते हो, आप कभी भी उस टाइप के फंड में, उस टाइप के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। दोज आर ओपन एवरी टाइम, उसे हम ओपन एंडेड फंड्स कहते हैं। क्लोज एंडेड फंड्स में होता है कि उसकी जो पीरियड डिसाइड होता है कि इस टाइम पे ये म्यूचुअल फंड स्कीम ओपन हो रही है और इस टाइम पे वो क्लोज हो रही है, तो जिसका टाइम पीरियड होगा तो उसे हम क्लोज एंडेड फंड्स कहते हैं। ओपन एंडेड में आप कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हो, क्लोज एंडेड में आप उसे तभी इन्वेस्ट कर सकते हो जब वो ओपन हुआ है, और जिस डेट को वो क्लोज हो जाएगा उसके बाद आप उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इंटरवल फंड्स वो होते हैं जो कुछ टाइम के लिए ओपन रहते हैं और कुछ टाइम के लिए वो क्लोज होते हैं, तो उसमें ओपन और क्लोज एंडेड फंड्स दोनों के फीचर्स होते हैं। देन आता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग जो हम बात करते हैं, दैट इज फर्स्ट है डेप्थ स्कीम, जहाँ पे जो म्यूचुअल फंड्स का आपका पैसा है वो अगर इन्वेस्ट किस टाइप की सिक्योरिटीज में हो रहा है, डेप्थ इंस्ट्रूमेंट्स इन्वेस्ट हो रहा है, तो उसे हम डेप्थ स्कीम्स कहेंगे। इनकम फंड्स में वो उन टाइप की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट हो रहा है जहाँ से आपको रेगुलर इनकम मिल रही है, जैसे अगर आप मंथली स्कीम्स जो होती हैं आपकी इन्वेस्टमेंट्स की, अगर आप उस टाइप की सिक्योरिटीज़ में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो वहाँ से आपको रेगुलर मंथली इनकम मिलेगी, तो वहाँ उन सिक्योरिटीज़ में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसे हम इनकम फंड्स कहते हैं। देन गिल्ट स्कीम्स, गिल्ट जो वर्ड है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से रिलेटेड यूज़ होता है, तो अगर आपकी जो पूल ऑफ फंड्स है म्यूचुअल फंड्स का वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसे गिल्ट स्कीम्स कहेंगे हम, या गिल्ट म्यूचुअल फंड्स हम कहते हैं। देन मनी मार्केट फंड्स, जहाँ पे जो आपका पैसा है पूल ऑफ फंड्स है मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट हो रहा है, इक्विटी स्कीम जहाँ इक्विटी में इन्वेस्ट हो रहा है, ग्रोथ फंड्स जहाँ पर उन इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट हो रहा है जहाँ से आपको ग्रोथ मिले, कैपिटल अप्रिसिएशन मिले। देन सेक्टर फंड्स, अगर आप सपोज बैंकिंग सेक्टर के जो सिक्योरिटीज़ हैं चाहे वो शेयर्स हैं चाहे डिबेंचर्स हैं बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो एक सेक्टर का फंड हो गया। सेम तरीके से अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का फंड हो गया। देन डाइवर्सिफाइड फंड, डाइवर्सिफाइड फंड में आप डिफरेंट सेक्टर्स में जो कंपनीज हैं उनकी सिक्योरिटीज़ में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। देन बैलेंस्ड स्कीम्स होती हैं जहाँ पे आपका डेप्ट और इक्विटी का प्रोपोर्शन सेम होता है, तो उनको हम बैलेंस स्कीम्स कहते हैं। देन है जियोग्राफिकल, जियोग्राफिकल बेसिस पे हम इन्हें डिवाइड करते हैं डोमेस्टिक एंड ऑफशोर में। डोमेस्टिक मतलब वो म्यूचुअल फंड स्कीम जो आपकी कंट्री की नेशनल बाउंड्री के अंदर अगर आपकी कंपनी है उसके इंस्ट्रूमेंट्स में आप लगा रहे हो तो उसे हम डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स कहते हैं। ऑफशोर जो आपकी कंट्री के बाहर है, फॉरेन है, तो उन्हें हम ऑफशोर म्यूचुअल फंड्स कहते हैं। देन नेक्स्ट आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ म्यूचुअल फंड, इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।